अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ मल्टी सिम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकोडर और डिकोडर का सर्किट। इस वक्त आपके सामने एक सर्किट शो हो रहा है, ये इनकोडर का सर्किट है और इस सर्किट की 9 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट हैं। तो इनकोडर के सर्किट में इस तरीके से होता है कि हमारे पास ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और उसके अगेंस्ट कम आउटपुट मौजूद होती हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो 2^n का है। इस तरीके से यहाँ पे अभी मेरे पास 9 इनपुट्स मौजूद हैं तो उसके लिए मिनिमम मुझे 4 आउटपुट रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 2^4 अगर मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास आएगा 16, और अगर मैं 2^3 करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आता है इसका 8। तो अगर मेरे पास 8 इनपुट मौजूद होती तो मैं 3 आउटपुट लाइन इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन 8 से ज़्यादा इनपुट मौजूद हैं तो अगर 8 से ज़्यादा और अप टू 16 हो तो उसके लिए मुझे 4 आउटपुट लाइन्स रिक्वायर्ड होंगी। इसी तरीके से अगर इनपुट मेरी 16 से ज़्यादा हो और अप टू 32 हो तो उसके लिए मुझे 5 आउटपुट लाइन्स रिक्वायर्ड होंगी। तो इस केस के अंदर 9 इनपुट हैं तो इसके लिए मुझे 4 आउटपुट रिक्वायर्ड होंगी, और इसी हिसाब से ये सर्किट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। अब ये जो सर्किट आपके सामने शो हो रहा है ये इस तरीके से है कि अगर मैं जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर 1 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 शो होना चाहिए। इस तरीके से अगर मैं इसको 0 करके सेकंड लाइन पे इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 शो होना चाहिए, और इस तरीके से अप टू 9 लाइन्स है। तो इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सर्किट मैंने डिज़ाइन किस तरीके से किया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं सेकेंड जो लाइन है इस पर मैंने 1 प्रोवाइड किया हुआ तो मेरे पास डिस्प्ले 2 शो हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं 5th लाइन पे 1 प्रोवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 शो होगा, अगर मैं 6 पे 1 कर दूँ तो 6, और इसी तरीके से अगर मैं 9 पे 1 करता हूँ तो मेरे पास 9 शो हो जाएगा। मतलब जिस लाइन पे मैं इनपुट प्रोवाइड करूँगा उसके इक्विवेलेंट मेरे पास नंबर शो हो रहा होगा आउटपुट में। अब इस सर्किट को डिज़ाइन करने का तरीका ये है कि इसके अंदर पहली चीज़ तो ये होगी कि हमारे पास 4 आउटपुट गेट्स होंगे और यहाँ पे और गेट्स यूज़ किए जाएंगे, और इन्हीं 4ों गेट्स की जो आउटपुट लाइन है वो हमारे डिस्प्ले पे कनेक्ट होगी। इसको जो मैंने इनपुट दी हुई है वो 9 इनपुट दी हुई है 1 से लेके 9 तक। तो अब ये जो मेरे पास नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, पहला काम हमने ये करना है कि इन नंबर्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो 1 की बाइनरी है वो हमारे पास हो जाएगी 0001, और इस तरीके से जो बाकी नंबर हैं उनकी बाइनरी भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक की बाइनरी लिख दी है 4 बिट के अंदर, और ये जो गेट्स हैं इनके साथ भी मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो सबसे ऊपर वाला गेट है ये LSB के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब ये जो लास्ट वाली बिट होती है इसको हम LSB कहते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाला और गेट लगा हुआ है इसको हम MSB के लिए यूज़ करेंगे, मतलब ये जो फर्स्ट बिट होती है नंबर की वो MSB कहलाती है। अब अगर 1 की बाइनरी हम देखें तो ये बनती है 0001, तो उसमें ये होगा कि ये जो हमारे फर्स्ट वाली लाइन है इसको हम जस्ट जो हमारे पास यहाँ पे LSB पे गेट आ रहा है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड करेंगे तो वो इस गेट पे हमारे पास 1 आ जाएगा और उसी के थ्रू वो आगे हमारी आउटपुट पे पहुँच जाएगा। तो एक्चुअल में हमने इस तरीके से करना है कि जो भी नंबर हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया है उसके इक्विलेंट जो गेट हमारे पास बनता है उस नंबर वाली लाइन को हमने गेट के साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से अगर 2 की बाइनरी हम देखें तो इसके अंदर पहली 2 बिट्स 0 है, फिर उसके बाद 1 है, और फिर उसके बाद 0 है। तो ये जो 1 यहाँ पे शो हो रहा है ये इस वाले गेट का 1 है जहाँ पे अभी मैंने पॉइंट किया है। तो ये जो सेकेंड लाइन है इसे अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ इस गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मैंने कहीं पे भी कनेक्शन नहीं बनाया हुआ। फिर उसके बाद नंबर 3 की बात करें, जब हम 3rd लाइन पे 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बिट्स 1 होनी चाहिए, और ये 2 बिट्स हैं ये इन ऊपर वाले 2 गेट्स की इनपुट हैं। तो अगर मैं 3rd लाइन पे 1 प्रोवाइड करूंगा तो ये जो लाइन है ये फर्स्ट गेट के साथ भी कनेक्टेड होनी चाहिए और सेकंड गेट के साथ भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट गेट पे भी जा रही है और यहीं से एक कनेक्शन निकला हुआ है जो कि सेकंड गेट पे भी इंटर हो रहा है। इस तरीके से अगर हम 4 देखें तो 4 के अंदर जस्ट 1 बिट 1 होती है, बाकी सब 0 होती हैं, और ये जो बिट यहाँ पे 1 शो हो रही है ये इस 3rd वाले गेट की है। तो इस 4 लाइन को अगर हम देखें तो इसका कनेक्शन सिर्फ इस एक गेट के साथ है और किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है। इस तरीके से अगर 5 को देखें तो एक ये जो सबसे ऊपर वाला गेट है इसकी 1 बिट 1 है, फिर एक गेट छोड़ के उससे नेक्स्ट जो गेट है उसकी 1 बिट 1 है, तो
इसका मतलब है जो लाइन नंबर 5 है ये एक तो ऊपर वाले गेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और फिर यहीं से अगर आप देखें तो ये कनेक्शन इस जगह पे बना हुआ है और ये इस गेट को आ रही है। तो इसी तरीके से लास्ट तक हम ये देखेंगे कि कौन सी बिट 1 है इस नंबर में। फॉर एग्जांपल नंबर 9 है तो इसकी एक फर्स्ट बिट 1 है और एक लास्ट बिट 1 है, मतलब ये जो 9 वाली लाइन है इसे एक हम इस गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा यहाँ से कनेक्शन जाएगा जो कि फर्स्ट वाले गेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल इनकोडर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इनकोडर है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन इसी को अगर हम मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो हम 1 से लेकर 15 तक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर सेम ही होगा कि आगे इसी तरीके से हमने कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 अगर आउटपुट हमने यहाँ पे शो करवानी है तो उसकी जो बाइनरी बनती है वो होती है 1010। पर यहाँ पे जो लाइन नंबर 10 होगी उसका एक कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे MSB वाले गेट से, क्योंकि यहाँ पे MSB वाली बिट 1 है। उसके बाद एक गेट छोड़ के उससे ऊपर वाला जो और गेट है उसके साथ भी हम कनेक्शन क्रिएट कर देंगे, और इस तरीके से जो हमारे पास फिर आउटपुट डिस्प्ले होगी वो यहाँ पे नंबर 10 डिस्प्ले होगा जब इस जगह पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनकोडर का सर्किट है। इनकोडर के सर्किट में हमारे पास ज़्यादा इनपुट मौजूद होती हैं और उसके अगेंस्ट कम आउटपुट मौजूद होती हैं। इसी के जो अपोजिट सर्किट होगा वो डिकोडर का सर्किट कहलाता है। तो इस वक्त आपके सामने अभी डिकोडर का सर्किट शो हो रहा है। जो मैंने पहले सर्किट बनाया था ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। इसके अंदर 4 इनपुट हैं और 9 आउटपुट मौजूद हैं। अब इसके जो आउटपुट हैं वो इस तरीके से काम करेंगे कि अगर यहाँ इनपुट पे मैं प्रोवाइड करता हूँ 0001, तो ये चूंकि 1 की बाइनरी बनती है तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ 0010 तो सेकंड जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी क्योंकि 102 की बाइनरी है। अगर मैं 11 प्रोवाइड करूँगा तो थर्ड आउटपुट ऑन हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 111 प्रोवाइड करता हूँ तो 7 जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी, और अगर 8 की बाइनरी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 8 आउटपुट ऑन होगी, और अगर मैं 9 की बाइनरी अप्लाई करूँगा तो मेरे पास 9th आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब इसका सर्किट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 9 एंड गेट्स यूज हो रहे हैं, और इन तमाम एंड गेट की 4 इनपुट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 4 इनपुट हैं तो इन तमाम एंड गेट्स की भी 4 इनपुट हैं जो कि इन 4 इनपुट के साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैंने फर्स्ट आउटपुट ऑन करवानी है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा 0001, जिससे फर्स्ट आउटपुट अप्लाई होगी। इसका मतलब है जो फर्स्ट एंड गेट है इसकी एक इनपुट इस 1 के साथ कनेक्टेड होगी और बाकी जो 3 इनपुट्स हैं वो इन 3 वाले नॉट गेट के साथ कनेक्टेड होंगी। तो अब उससे होगा ये कि ये जो 1 है ये डायरेक्टली एंड गेट पे अप्लाई हो रहा होगा, और बाकी जो 3 0 हैं यहाँ पे ये नॉट गेट के थ्रू इन्वर्ट होकर 1 हो जाएंगे और फर्स्ट एंड गेट पे अप्लाई हो रहे होंगे। मतलब इस वक्त यहाँ पे तो मैंने बाइनरी अप्लाई की हुई है 0001, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट एंड गेट पे इस वक्त तमाम 111 अप्लाई हो रहे हैं। 3 0 जो हैं ये नॉट गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और लास्ट वाला जो 1 है वो डायरेक्टली इस पे अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से जो सेकेंड एंड गेट है 2 के, चूंकि बाइनरी होती है 10, तो ये जो सेकेंड वाला 1 है ये डायरेक्टली इस एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। ये अगर आप देखें, अगर मैं लाइन को सेलेक्ट करूँ तो ये लाइन यहाँ तक आ रही है, तो उसके आगे डायरेक्ट सेकेंड एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, और जो बाकी इस गेट के कनेक्शंस हैं वो नॉट गेट के थ्रू हैं, इस वाले नॉट गेट के थ्रू, फिर उसके बाद ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इस वक्त जो बाइनरी अप्लाई हो रही है वो है 0010, जबकि एक्चुअल में ये जो 0 है ये इस नॉट गेट के थ्रू इन्वर्ट होकर यहाँ पे इनपुट पे भी 1 आ रहा है, जिसकी वजह से इस एंड गेट के आउटपुट 1 है, और सेम चीज़ बाकी आगे वाले जितने भी एंड गेट हैं उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये वाला सर्किट थोड़ा सिंपल है और ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। इस किस्म का कनेक्शन बनाने के अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं तो वो सिंपल इस तरीके से हो सकता है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी इनपुट रिक्वायर्ड होंगी। इस वक्त चूंकि 8 से ज़्यादा गेट यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें 4 इनपुट रिक्वायर्ड होंगी। अगर 8 या उससे कम होते हैं तो फिर हमें 3 इनपुट रिक्वायर्ड थी। तो 4 इनपुट इसमें से जो फर्स्ट इनपुट यहाँ पे आ रही है वो फर्स्ट गेट के साथ कनेक्टेड होगी डायरेक्टली, फिर एक गेट छोड़ के फिर दूसरे से, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे से। इस तरीके से जो सेकंड वाली इनपुट है वो पहले 2 इकट्ठे एंड गेट के साथ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे मैंने एक एंड गेट मिस किया हुआ, वो मिस इस वजह से किया है क्योंकि जब हम 0000 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 0 होनी चाहिए, तो वो जो 0 वाला एंड गेट है वो
इस जगह पे मिसिंग है। तो जो हमारी ये सेकंड वाली आउटपुट है, एक उस एंड गेट से कनेक्ट होनी थी जो कि मिस है, और दूसरा इसके साथ कनेक्ट है। फिर उसके बाद दो एंड गेट छोड़ के फिर नेक्स्ट दो से कनेक्ट है, फिर दो एंड गेट छोड़ के उसके बाद फिर नेक्स्ट दो से कनेक्ट है। इस तरीके से जो थर्ड नंबर पे इनपुट है वो पहले चार एंड गेट छोड़ के उसके बाद जो नेक्स्ट चार आते हैं उनके साथ कनेक्ट होगी, फिर चार छोड़ के फिर जो नेक्स्ट चार आएंगे उनके साथ कनेक्ट होगी, और फिर जो लास्ट वाली इनपुट है वो पहले आठ वाले एंड गेट छोड़ के उसके बाद जो आगे आठ एंड गेट आएंगे उनके साथ कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप समझ लें कि हम एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए ये डिकोडर का सर्किट भी डिज़ाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे मैंने इनकोडर और डिकोडर को मिला के एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा इस सर्किट को भी देख लेते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नौ इनपुट्स हैं और इसकी नौ ही आउटपुट हैं, और दरमियान में आपको इस वक्त लग रहा होगा कि एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये इनकोडर का सर्किट है और इससे आगे जितना पोर्शन बन रहा है वो डिकोडर का सर्किट है। अब इस सर्किट में होता क्या है कि अगर मैं इस वन वाली इनपुट को ऑन करता हूँ तो मेरे पास जो वन वाली आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं टू वाली इनपुट ऑन करता हूँ तो मेरे पास टू वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, और यही टेक्निक एंड तक फॉलो होगी कि अगर मैं एट या नाइन को ऑन करूँगा तो मेरे पास जो लास्ट वाली आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। अब इसके अंदर काम तो एक सिंपल सा हो रहा है, और अगर सोचा जाए तो हम जो भी इनपुट ऑन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट ऑन हो रही है, तो ये काम तो सिंपल सा है। मतलब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये नाइन वाली आउटपुट है इसे डायरेक्टली मैं इस इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूं, और बाकी जो आउटपुट है उन्हें भी डायरेक्टली मैं इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूं। दरमियान में इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों इन्वॉल्व किया गया है जब एक सिंपल सा काम हमने परफॉर्म करना है? लेकिन उसका पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे पहले इस डाटा की इनकोडिंग कर रहे हैं और उसके बाद डाटा की डिकोडिंग करके हम आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं। नॉर्मली इसी तरीके से होता है कि जब भी हम कोई डाटा सेंड करते हैं तो उस डाटा की पहले इनकोडिंग की जाती है, और इनकोडिंग इसी किस्म के सर्किट के थ्रू की जाती है। मतलब एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे वन सेंड करना चाह रहा हूँ तो ये जो वन है ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा 0001 के अंदर, और उसके बाद इसकी डिकोडिंग होगी और ये 0001 से हमारे पास डेसिमल नंबर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से जब मैं नाइन को यहाँ से सेंड करूँगा तो ये सेंड होगा बाइनरी फॉर्म में, मतलब 1001, और फिर उसके बाद इसकी डिकोडिंग होगी और हमें डेसिमल फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा कि हमारे पास जो आउटपुट इस वक्त डिस्प्ले हो रही है वो नाइन है। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी इनकोडिंग और डिकोडिंग है कि नाइन को अगर मैं सेंड करना है तो वो नाइन की बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब भी डाटा सेंड किया जाता है तो उसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग स्कीम जो है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई दरमियान में मैसेज को इंटरसेप्ट कर ले तो उन लोगों को ये समझ नहीं आती कि किस किस्म का मैसेज सेंड किया गया, मतलब वो इनकोडेड फॉर्म में होता है, तो इससे डाटा की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यह फायदा होता है सर्किट के अंदर इनकोडर और डिकोडर को इस्तेमाल करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अब ये सर्किट आप खुद भी डिज़ाइन कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।